सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं जींस शर्ट के फुल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ली है मैंने। अब स्लीव के ऊपर पीस सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब मेन शर्ट की जो फुल स्लीव होती है उसके नीचे यहाँ पे कफ लगा होता है और बटन्स लगे होते हैं, साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा खुला भाग होता है और प्लेट्स होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कफ और प्लेट्स कैसे हम डालें। तो स्लीव की मोरी पे लगाने के लिए सबसे पहले हम कफ बनाएंगे। तो जो कफ की जो लेंथ होगी वो 9 इंच की होगी और जो उसकी चौड़ाई होगी वो 2.5 इंच की होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड करके फैब्रिक को और एक भाग पे मैंने फ्यूज़न को चिपका लिया है और तीनों साइड हाफ हाफ इंच का मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है सिलाई लगाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने 3 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी एक पट्टी काट रखी है और इसको आयरन कर लिया है बराबर बिठा के। ये जो मोहरी के पास जो हम कट करेंगे कपड़ा, उसमें हम इसे ऐड करेंगे और इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। तो चलिए स्लीव की मोहरी की कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। ये हमारी स्लीव है। तो ये स्लीव का फ्रंट पार्ट है जो हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच होगा ये, और ये हिस्सा बैक पार्ट में अटैच होगा। तो यहाँ नीचे की तरफ पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे, फोर्थ फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 5 इंच तक एक निशान लगाएंगे और इसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए 5 इंच लंबी हमने एक लाइन खींच ली। अब इसे हम काट लेंगे। ये स्लीव का वो हिस्सा है जो हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे, उधर ही हम ये कट लगाएंगे। अब ये कट लगाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे पहले 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ऐसे, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगा लेंगे हम नीचे तक। इसमें सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने पट्टी काटी है इसको नीचे की तरफ ऐसे रख के और पहले अपनी ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर ऐसे पलट के और सीधे की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हम कफ अटैच करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं ये सिल के दिखाती हूँ आपको, उसके बाद कफ अटैच करना बताऊंगी। तो देखिए ये किनारे वाले हिस्से को पहले हल्का सा फोल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर एक और फोल्ड करके और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो पट्टी हमने काटी है 3 इंच की उसको यहाँ किनारे पे रख के और उल्टे साइड की तरफ से इसे सिलाई लगाएंगे। अब ये वाला जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको काट लेंगे पहले। अब इसे सीधे की तरफ पलट के और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाएंगे। देखिए नीचे की तरफ हम भी शेप बना लेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने स्लीव में कटिंग की थी उसकी मैंने सिलाई लगा ली। अब इसमें हम कफ अटैच करेंगे। तो पहले हम अपने स्लीव को शर्ट से अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कफ की सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव को हम शर्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पैक सिलाई लगाएंगे शर्ट में। तो ये जो स्लीव का जो राइट वाला हिस्सा है इस साइड से ही पहले ऐसे करके 1/2 इंच फोल्ड करके और इस किनारे पे हम स्लीव के एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसे शर्ट से अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव के सीधे के साइड में ऐसे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फोल्ड करके और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो शर्ट से हमने स्लीव को अटैच कर लिया। देखिए अब यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे 1 फुट का गैप देके और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और ये नीचे से देखिए ये सिलाई हमारी पैक हो जाएगी।
अब स्लीव के नीचे हम अपने कप को अटैच करेंगे। तो ये जो कप हमने तैयार किया है फ्यूज़न लगा के, तो इसको ऐसे किनारे पे रख के, जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे छोड़ा है देखिए, उसको ऐसे बाहर की तरफ रख के और यहाँ से अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद दो प्लेट्स डालेंगे ऐसे एक एक इंच की और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे पलट के और अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए नीचे की तरफ दो प्लेट्स डाल लेंगे हम। तो यहाँ पे कप को अटैच करने के बाद ये जो साइड में हमारा फैब्रिक है ये, इसको हम पहले सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधे की तरफ पलट देंगे। देखिए पलटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का फैब्रिक है यहाँ पे, उसको ऐसे फोल्ड करके और फिर इस सिलाई के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ भी एक एक फुट का गैप देके पूरे कफ में सिलाई लगा लेंगे और कफ को फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ स्लीव में हमने कफ को अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पे दो प्लेट्स भी डाले हमने।